हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कांग्रेस ने 28 महीने रूल किया था, कांग्रेस पावर में आ गई थी इलेक्शन जीतने के बाद। तो कांग्रेस ने क्या क्या काम करे इलेक्शन जीतने के बाद, क्या वो फैसला सही था या गलत था, तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में हमें पता था या हमने देखा था 1935 के एक्ट में कि कांग्रेस ने ये एक्ट रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि कांग्रेस डिमांडेड फॉर द डोमिनियन स्टेटस, और वही एक चीज उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट में नहीं डाली। और एक और चीज कांग्रेस ने डिमांड करी थी, टू मेक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि उस एक्ट में कहीं बात ही नहीं हुई। तो अगर कांग्रेस ने वो एक्ट रिजेक्ट किया था तो कौन सी दो पार्टीज थी इंडिया में जिन्होंने वो एक्ट एक्सेप्ट किया था, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो पार्टीज जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्सेप्ट किया था, पहला नेशनल लिबरेशन फेडरेशन और दूसरी पार्टी थी हिंदू महासभा। अब क्योंकि कांग्रेस भी हाथ धो के पीछे पड़ गई थी टू मेक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि इलेक्शंस कंडक्ट हुए इंडिया में फर्स्ट टाइम, जिसमें इंडियन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज RJ एंड यू आर वॉचिंग मिशन 360, सो स्टे ट्यून। अब इतना स्ट्रगल करने के बाद कांग्रेस को एक अचीवमेंट मिली। फरवरी 1937 में फाइनली इलेक्शन कंडक्ट हुए, और जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स कांग्रेस जीत गई, जो कि होना ही था क्योंकि वो नेशनल पार्टी थी, जिसमें 1161 सीट्स में से 716 सीट्स कांग्रेस की आई और मेजॉरिटी कांग्रेस जीत गई। तो बेसिकली INC की मेजॉरिटी रही, एक्सेप्ट फ्यू प्लेसेस जैसे कि बंगाल। वहां पर एक्चुअली दो पार्टी ने अलायंस किया था, मुस्लिम लीग प्लस कृषक प्रजत पार्टी। असम में कांग्रेस नहीं जीती, सिंध एरिया में कांग्रेस नहीं जीती, पंजाब में मुस्लिम प्लस यूनाइटेड पार्टी ने अलायंस कर लिया तो उनकी मेजॉरिटी हो गई। एंड एक और एरिया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, यहाँ भी कांग्रेस नहीं जीती थी। बाकी इन प्लेसेस को छोड़कर सारे प्लेसेस में कांग्रेस जीती थी। तो एज अ नेशनल लेवल कांग्रेस ही मेजॉरिटी में थी। तो अब कांग्रेस रूल करेगी, तो देखते हैं कांग्रेस के कैसे कैसे काम रहेंगे और क्या ये चीजें सही रहेगी फॉर द कंट्री और नॉट। तो कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज बनाई थी, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस। उस टाइम पर UP को, उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंसेस बोला जाता था, बिहार, और बाद में कभी फिर असम में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में भी। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस का 28 मंथ्स का रूल जो था उसमें कांग्रेस ने क्या क्या काम करे। कांग्रेस काफी सारे रिफॉर्म्स लेकर आई थी, जैसे पहला लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स, दूसरा अग्रेरियन एंड लेबर रिफॉर्म्स, तीसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, चौथा सोशल रिफॉर्म्स। हम इन्हीं सारे रिफॉर्म्स में अब डिटेल्स में बात करेंगे कि इन रिफॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस हुए और क्या क्या इम्प्रूवमेंट रही जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा था। पहला लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स। अंग्रेजों ने बहुत सारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन पर बैन लगा रखा था, तो उस बैन को हटाया गया, जैसे कि प्रेस का बैन। प्रेस पर बहुत ज्यादा बैन लगा के रखे थे, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे साथ कुछ गलत करते थे और हम उसके लिए आवाज उठाकर पूरे कंट्री में फैलाना चाहते थे, तो प्रेस एंड मीडिया एक बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल होता था। लेकिन वो बात पूरी कंट्री तक ना पहुंचे और हम सारे एक आवाज में बात ना करें, तो सबसे पहले अंग्रेज प्रेस को बैन करते थे। आपने मेरी पहली वाली वीडियोस में बहुत बार ये देखा होगा। पुलिस की पावर को कम किया गया, अंग्रेजों ने पुलिस को बहुत ज्यादा पावर दे रखी थी कि जिस मर्जी को उठा के वो जेल में डाल दे, तो इस वजह से उन्होंने सबसे पहले पुलिस की पावर को भी कम किया। और जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो कैद थे, जो कि अपने देश के लिए लड़ाई कर रहे थे, उन सबको रिलीज करवाया। साथ में उसमें रेवोल्यूशनरीज भी थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड रेवोल्यूशनरीज, जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं थे बट हमारे देश के लिए वो लड़ाई कर रहे थे।
तो अब बात करते हैं अग्रेरियन एंड लेबर रिफॉर्म्स के बारे में। किसानों का कर्जा माफ कराया गया, किसानों पर बहुत सारे टैक्स इम्प्लीमेंट कर देते थे गोरे, तो वो माफ किया गया। कुछ नए नए लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए जिससे कि किसानों को आसानी हो। वर्क्स ऑन रिड्यूसिंग स्ट्राइक्स, जितनी स्ट्राइक्स होती थी उसको कम करने के लिए काफी सारे काम किए गए कि किसानों को तकलीफ ना हो तो वो स्ट्राइक पर ना बैठे। और जब किसान स्ट्राइक पर बैठते थे तो गोरे धारा 144 लगा देते थे और उसके तहत इंडियन लीडर्स को किसानों को अरेस्ट करके जेल में डाल देते थे। तो पहले तो करते भी गलत थे गोरे, उसके बाद किसान और इंडियन लीडर्स स्ट्राइक पे बैठते थे क्योंकि ये गलत हो रहा है, और उसके खिलाफ फिर हमको जेल में भी डाला जाता था। तो कुल मिला के नाइंसाफी हम लोगों के साथ ही हो रही थी। तो चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में डिटेल में। हमारी जो इंडियन एंटरप्राइजेस थी उनको एनकरेज किया गया कि वो मोर प्रोडक्शन करें और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस का आउटपुट जनरेट करें। उस टाइम पे प्लानिंग कमेटी को डेवलप किया गया जिसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में, जिसके जवाहरलाल नेहरू जी हेड थे। और उस टाइम पे वो जो कमेटी सेटअप करी गई थी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोस्ट रेस्पेक्टेड सुभाष चंद्र बोस, और यही वो नेशनल प्लानिंग कमेटी है जिसको हम नीति आयोग भी बोलते हैं, जिसका नाम चेंज किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो अब बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले लिकर को प्रोहिबिट किया गया, लिकर को बैन किया गया कंट्री के अंदर। और हरिजन्स के लिए कुछ मेजर्स लिए गए कि सारे लोगों को टेंपल में अलाउ किया जाए पूजा करने के लिए, उसमें दलित भी हो सकते हैं या पिछली जाति के लोग भी हो सकते हैं, तो उन सब लोगों को भी अलाउ किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत नाइंसाफी होती थी दलित लोगों के साथ या पिछड़ी जाति वालों के साथ, उनको टेंपल में अलाउ नहीं किया जाता था। तो टेंपल हो गया या पब्लिक फैसिलिटी का यूज हो गया, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट या फिर कुएं से पानी निकालना है, ऐसी कुछ चीजें। और दूसरा, जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सिस्टम है उनको इम्प्रूव किया गया, क्योंकि जितनी ज्यादा कंट्री में एजुकेशन डेवलप होगी उतने ज्यादा लोग अवेयर होंगे और हम फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। तो एजुकेशन को इम्प्रूव करना भी इनका एक प्राइम फोकस था। तो ये सब कांग्रेस के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जो कांग्रेस ने किए। और उसके बाद सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया था। अब कांग्रेस ने अपनी पावर से रिजाइन कर दिया, सारे मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। उसका रीजन मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमने 28 मंथ्स के रूल जो कांग्रेस ने किया था उसमें कांग्रेस ने क्या क्या काम करे, वो सही था या गलत था। तो हमें पहली बार ये पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट कैन मेक और कैन क्रिएट अ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस एंड इट इज नेसेसरी। हमारी गवर्नमेंट के पास या हमारे लोगों के पास इतनी क्षमता है कि वो एक बहुत बड़ा अच्छा चेंज लेकर आ सकते हैं इंडिया में। और ये भी क्लियर हो गया कि इंडियंस कैन यूज ब्रिटिशर्स पावर टू मेक देयर डिमांड्स क्लियर। इंडियन जो लीडर्स थे उन्होंने अपनी डिमांड साफ क्लियर कर दी थी ब्रिटिशर्स के सामने, और ये कहीं ना कहीं इस मिथ को भी कमजोर करता है कि वी इंडियन कांट बी सेल्फ सफिशिएंट, हमें हमेशा गोरे लोगों की जरूरत नहीं है, वाइट मैन बर्डन जो गोरे बोलते हैं कि तुम्हें हमारी जरूरत है, हमें तुम पर रूल करना है तो हम तुम पे एक एहसान कर रहे हैं रूल कर, तो ये चीज की जरूरत हमें नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट है, वी कैन मेक और वी कैन रन आर कंट्री। और फाइनली इंडियन लीडर्स ने कम पैसों के साथ, कम फाइनेंशियल रिसोर्सेस के साथ वो कर दिखाया जो हमें उम्मीद नहीं थी। तो इट वॉज अ गुड वर्क ओवरऑल। अब इसका एक नेगेटिव पहलू भी देख लेते हैं कि वो क्या था। कुछ इंटरनल इश्यूज होने लग गए थे अपने इंडियन लीडर्स में, जो कि कॉमन है होना, क्योंकि उनके पास पावर आ गई थी तो उस पावर के साथ एक लालच भी आ रहा था। तो बस एक यही एक चीज थी जिससे गांधी जी भी डर रहे थे कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ये सब होना लाजमी है। तो कांग्रेस ने 28 मंथ्स का रूल किया। बाद में इन 1939 में पूरी की पूरी आईएनसी ने रिजाइन कर दिया। तो उसका रीजन ये है कि जब 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई थी तो गोरे हम हिंदुस्तानियों का नाम लिखवाया है वर्ल्ड वॉर टू में कि ये हमारी साइड से लड़ेंगे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कांग्रेस खिलाफ थी इस डिसीजन के। तो यही एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से पूरी की पूरी कांग्रेस ने रिजाइन मार दिया सेम डे में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू हुआ था गोरों के बीच में, तो हम उस
पछड़े में क्यों पड़े, हमारे पास पहले ही बहुत सारे काम थे, हमें अपनी कंट्री की हालत सुधारनी थी तो हम नहीं जाना चाहते थे, तो जिसकी वजह से, और ये भी बात क्लियर थी कि गोरे हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सेम डे में सारे कांग्रेस लीडर ने रिजाइन कर दिया। तो ये था कांग्रेस का 28 मंथ्स का रूल और उन्होंने क्या क्या काम करे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अच्छे ही काम करे थे। तो अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताएं। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप इस तरह के वीडियोस और देख पाएं, शेयर करें उन लोगों के साथ जो भारत का इतिहास जानना चाहते हैं डिटेल में। प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एट लास्ट, जय हिंद।